कल रात को 63 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न हुआ। मुंबई डॉक्टर अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि में ये उचित था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहीं समाप्त हो जो पवित्र स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान बन गया है चैत्य भूमि। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक पर, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को तोबाल मणिपुर से किया था। ऐसे समय पर जहां जब हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात बनाया गया है, उनको कमजोर किया गया है, ऐसे समय में संकल्प लेना कल रात को राहुल जी और उनके साथ 70 और लोग हमारे संविधान के प्रस्तावना पढ़े, ऐसे समय में जब संविधान खतरे में है और बात हो रही है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाकर एक नए संविधान बनाने की, तो बड़ा उचित है कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संपन्न होना डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में, मैं समझता हूं वो अलग से एक विशेष महत्व रखता है। करीब 6300 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, 106 जिले कवर हुए, और जैसा कि मैंने कहा तोबाल से शुरू हुआ 14 जनवरी को और समाप्ति हुई 16 मार्च को मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगा करीब 140 दिन पद यात्रा था भारत जोड़ो यात्रा का, और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और वो श्रीनगर तक पहुंचा, और कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक 75 जिले कवर हुए थे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में 75 जिले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 106 जिले। तो कुल मिलाकर राहुल जी ने इन दो यात्राओं में 106 और 75 यानी कि 181 जिले पदयात्रा किया है या बस यात्रा किया है और जनता के साथ संपर्क में आए हैं 181 जिले में पिछले 1.5 महीनों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नारा राहुल जी ने खुद ही दिया था, जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय दोहराया। उन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय कि मैं नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो नारा उन्होंने दोहराया। और ये भी कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कि अन्याय के अंधकार में हम न्याय का दिया जलाने निकले हुए हैं, और किस प्रकार का न्याय, 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हरेक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। ये जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया है, ये चार्ट में आपको भिजवा दूंगा, एक पेज में सारे 5 न्याय आपको दिखाई देंगे, और हरेक न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, राहुल जी की ओर से जो किए गए हैं वो इसमें
जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव, हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं, 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। तो 5-5-25, यही हमारी चुनावी रणनीति है। 5 साल के लिए जनादेश, 5 न्याय को देने के लिए जनादेश, 25 गारंटियों को पूरे करने के लिए जनादेश। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो मैं आपको जानकारी देने वाला था। और परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये सारे गारंटियां हमारे घोषणा पत्र से ही आते हैं। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न होने के बाद 3 दिन पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था ठाणे में, क्योंकि समाचार इतना सनसनीखेज था कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी उन्होंने समझा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी निकली है। और पिछले 3 दिन से निकल रहे हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग डिजिटल साइट में, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका तो पूरा नजरअंदाज किया है, पर कुछ साहसी वेबसाइट हैं, कुछ साहसी अखबार हैं जहां इस जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो कंपनी की लिस्ट आई है, और शीघ्र ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है वो भी निकल आएगा, ताकि मैचिंग हो सकता है कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को गया है। पर मोटे तौर से अभी पता चल गया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ही गया है, करीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 से भी ज्यादा बीजेपी को गया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, करीब 1400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, बीजेडी है, डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, सभी पार्टियां हैं। पर ये अगर आप ये कंपनियों की लिस्ट देखें, मैंने विश्लेषण किया काफी गहराई में, मैंने खुद विश्लेषण किया रात भर 3 दिन पहले, और मुझे 4 चीजें दिखाई दी इन लिस्टों में, और इसका मैं मिसाल देते रहूंगा आपको, और ये छप भी रहा है कुछ कुछ अखबारों में, इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि सब जानकारियां अभी निकल आई है। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, चंदा दो धंधा लो। कई ऐसे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, रेल प्रोजेक्ट मिले हैं, टनल प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजली के घर अलग अलग क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनको प्रोजेक्ट मिला है। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है, और अगर आप देखें इलेक्ट्रल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। मिसाल के तौर से एक अखबार में छपा है, ये कोई राज नहीं है, हैदराबाद की एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल, जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। तो ये तो हफ्ता वसूली है।
डराकर, धमकी देकर, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके चंदा लेना, मैं समझता हूं हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारी यहां कंपनी है और इनके सब नाम निकलते आएंगे। दूसरा, तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं और वही वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले टीडीपी के एमपी हुआ करते थे, संयोग से उनका नाम और मेरा नाम एक ही है, पर वही एक ही समानता है, और कोई समानता नहीं है, ना मेरी कंपनियां है ना मेरा कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये मिसाल है, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत लो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रिश्वत ही हुआ ना जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। तो ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। कई ऐसे शेल कंपनियां हैं, इस वेबसाइट पर आप अगर आप देखें, कई शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। उनकी आमदनी क्या है, उनके मालिक कौन है, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी का फायदा यही है ना कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए आप मजबूर नहीं है। तो शेल कंपनियां, बहुत सी शेल कंपनियां हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बारी कहा था, मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा। पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी चला रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया है पहले बार। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा और चौथा शेल कंपनी। तो सवाल ये उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास आरबीआई, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है ना, ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे इशारे पर तो ये नहीं काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो बड़े ठेके नहीं दे रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, टनलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े 6 लेन एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का प्रोजेक्ट, हम तो नहीं दे रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो ये क्विड प्रो को जो कहा जाता है वो हम नहीं कर सकते, और हमारे 2-3 राज्य हैं बस। तो ये जो चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है और बीजेपी को ही जवाब देना होगा, गृहमंत्री को देना होगा। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, गृहमंत्री को कहना होगा, जवाब देना होगा। उन्हीं के सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं जो सीधा बीजेपी के खाते में जाता है। गृहमंत्री को ही जवाब देना होगा क्यों ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा गया है और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। और गृहमंत्री को यही जवाब देना होगा, और कोई जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ गृहमंत्री जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो बार बार कांग्रेस से सवाल करते हैं। गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक कंपनी
जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है, वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मुश्किल से 8 महीने 9 महीने 10 महीने लगे हुए शुरू होने में, और एकदम वो 20 30 40 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं, किसका पैसा, कहां से पैसा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड मुझे साफ है दिखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। तो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हमारी खाताबंदी कर दी है। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो 6000 करोड़ रुपया मिल गया उनको, पर जो हमें पैसा मिला था इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जो हमारे खाते में है, हमारे खाते को तो उन्होंने ठंडे बक्से में लगा दिया, फ्रीज कर दिया है, और हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारी यूथ कांग्रेस अपना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकती है, हम अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार के लिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये खर्च हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हम दिखाएंगे, पर हमारे अकाउंट हम ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी खाताबंदी हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेते जा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरफ से कर आतंकवाद है ना, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पर। तो एक तरफ से इनको खत्म करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा पैसा ले लो धमकी देकर, और जो पैसा इनको गया है इनको इनके अकाउंट फ्रीज करो। हम ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट में मिले गए, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हम जरूर खटखटाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं चल सकता। ये प्रधानमंत्री तो वन नेशन नो इलेक्शन करना चाहते हैं, बस हम चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर हमारे खाते बंद हैं? तीसरा और आखिरी मुद्दा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, कल चुनाव की घोषणा हुई है, और हमारे ओर से पवन खेरा जी ने लंबे विस्तार से आपको जो हमारा रिएक्शन है वो दिया है, पर मैं यही कहूंगा, कल रात से MCC लागू हुआ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। पर हमारे देश में दो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रधानमंत्री की भाषा पर रोक लगाई जाएगी? जब झूठे इल्जाम, मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए, क्या ये गृहमंत्री पर लागू होगा? क्या ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होगा? क्या नोटिस कभी गृहमंत्री को दिया जाएगा? क्या नोटिस कभी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? जब वो झूठ बोलते हैं तो रोज नोटिस देना पड़ेगा उनको। तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, एक संवैधानिक संस्था है। और मैं फिर से कहूंगा, 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। मई के महीने से इंडिया गठबंधन के नेता उनसे समय मांग रहे हैं VVPAT मुद्दे को लेकर। हम चाहते थे कि 100% VVPAT का इस्तेमाल हो चुनाव में, EVM तो होगा पर साथ साथ पेपर ट्रेल होना जरूरी है, ताकि मतदाता को विश्वास हो कि जो वो वोट कर रहे हैं, वो चुन रहे हैं, वो सही तरीके से रजिस्टर हो रहा है। पर हमसे मिलिए, जो हम दस्तावेज पेश करेंगे उस पर आप
बैठ जाइए, कुछ कार्रवाई मत कीजिए, वो आप अधिकार है क्योंकि आप तो चुनाव चलाने वाले हैं, संविधान आपको अधिकार देता है। पर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की पार्टियों को की सुनवाई ही नहीं होती तो ये कैसी निष्पक्ष संस्था है। तो मैं फिर से कहूंगा, संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था सही तरीके से अपनी निष्पक्षता को दिखाएं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, गृह मंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, उन पर कार्रवाई कीजिए और सिर्फ नोटिस कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा, चेतावनी सिर्फ कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा। यही तो हमारा अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में। तो यही तीन मुद्दे थे जो मैं आज आपसे बातचीत करने वाला था। अगर आपके कुछ सवाल हैं मैं जवाब दूंगा। परसों दिन जैसा कि मैंने कहा वर्किंग कमेटी की बैठक है और उसमें हमारी घोषणा पत्र पर विचार विमर्श होगा। और ऐसे तो जो 25 गारंटियां हैं वो हमारे घोषणा पत्र से ही आया है, पर घोषणा पत्र में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका उल्लेख किया गया है और सारे वादे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक बात और कह दूं, ये गारंटियां जो हैं ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने इसकी घोषणा की है, पर ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और अभी तो प्रधानमंत्री ने गारंटी शब्द पर ट्रेडमार्क ले लिया है, पर 2 साल पहले जब ये गारंटी शब्द या 1.5 साल पहले जब ये गारंटी शब्द पहली बार कर्नाटक की विधानसभा में इस्तेमाल किया गया था, इसका हंसी मजाक उड़ाया गया था राहुल जी ने जब पहली बार और खड़गे जी ने पहली बार जब गारंटी की बात की थी। पर वो जान गए हैं अभी कि जनता में कुछ विश्वास आया है इस गारंटी को लेकर। तो वो खुद कह रहे हैं, अभी तो वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं, इंडिया जनबंधन की गारंटियां हैं। आज तो एक जनबंधन का विशाल रैली होने वाला है शिवाजी पार्क में, आज शाम को सभी पार्टियां वहां मौजूद होंगी। वहां अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के भाषण देंगे और मैं समझता हूं हमारे ओर से जो सीट शेयरिंग की घोषणा करनी है वो अगले 2-3 दिन में की जाएगी। शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल को समन अभी मिल रहा है, कल भी उनको जो है एक दज्जल रोड से जुड़े मामले में उनको समन भेजा गया। देखिए मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि ईडी का पूरा दुरुपयोग किया गया है पिछले 4-5 सालों से। सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया गया है, बार बार ईडी की धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के 2 नेता अभी भी जेल में हैं, 3 मेरे ख्याल में, 3 अभी भी जेल में हैं। तो ये नोटिस दिया गया है और ये जो बीआरएस के नेता को अभी 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था। ये सब स्टेज मैनेज्ड हेडलाइन है, ये सब हेडलाइन को मैनेज करने लेके जा रहे हैं। पर जहां उनको चुनावी खतरा दिखता है वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 संस्थाएं हैं जो कानून के प्रकार से चलना है, उनको स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। पर ये अफसोस की बात है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये काम करते हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं बस।